राजधानी देहरादून में नगर निगम की तत्परता से डेंगू के मामलों में कमी देखने को मिली है। हाल ही में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी हुई थी, लेकिन अब देहरादून में डेंगू की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा मनोज ने कहा कि 800 केस मिले थे, जिनमें से 351 डेंगू के मरीज हो चुके थे। डेंगू के 150 से अधिक मरीज देहरादून के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू के केसों में लगातार सुधार देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और आशा वर्कर लगातार कार्य कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में नगर निगम की फॉगिंग भी की जा रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देहरादून जिले की बात करते हैं तो देहरादून जिले में इस वर्ष अभी तक अगर हम देखें तो डेंगू के ज़्यादा केसेस दिखाई पड़ रहे हैं कंपैरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस समय तक जो है लगभग हमने जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें करीब 800 केसेस कल तक हो चुके थे, और इसमें से जो हैं 351 केसेस जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है।